और अब खबर रायपुर से है, जहां पर कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर बलौदाबाजार में हुआ विवाद थम नहीं रहा है। दूसरे दिन भी विधायक शकुंतला साहू और चंद्रदेव राय राजीव भवन पहुंचे और पूर्व विधायक जनकराम वर्मा उनके बेटे पर कार्रवाई की मांग की है। उनके साथ कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार शेख अलीमुद्दीन भी थे। सभी ने करीब एक घंटे तक गोपनीय बैठक की। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री को विदेश से लौटने दें, उसके बाद इस मामले का समाधान निकाला जाएगा। गौरतलब है कि बलौदाबाजार में पूर्व कांग्रेस विधायक जनकराम वर्मा के बेटे राकेश वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं, जबकि कांग्रेस ने शेख अलीमुद्दीन को अपना अधिकृत उम्मीदवार तय किया था। इसे लेकर कांग्रेस में बवाल चल रहा है। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि दोनों पक्षों से बात की जाएंगी, विधायकों से बात हो चुकी है, इसके बाद पर्यवेक्षक से पूरी रिपोर्ट मंगाई गई है और जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। देखिए, अपनी अपनी बात हर कोई कह रहा है। जो बातें हुई थी, जो जिन्हों से चर्चा हुई थी, जो समन्वय की बात की गई थी, जो भी बातें आई और जिन्होंने समन्वय के और संगठन की बातों को नजरअंदाज किया है, हम जरूर उन पर रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी हो उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। जो अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया कि वहाँ पर क्या परिस्थितियाँ थी, कैसे हम लोगों ने काम किया और कहाँ पर कोई कमी हुई या कहाँ पर कोई ऐसी बात आई, ये इन चीजों को हम लोगों ने उनको अवगत करा दिया। ये पूरी बातें हमारे पर्यवेक्षक महोदय जी के सामने है। पर्यवेक्षक महोदय ने आला कमान को और प्रदेश अध्यक्ष को सारी बातें बताई है। अब जो भी निर्णय लेना है पार्टी हाईकमान को ही तय करना है। हम और सारे लोगों के बीच में जो बातें हुई है पर्यवेक्षक महोदय ने रख दिया है। पार्टी ने जो तय किया था और पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग हमेशा पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं और पार्टी के समक्ष हमने सारी बातें हमारी जो रख दी हैं और जो भी पार्टी के माननीय अध्यक्ष महोदय हैं उनके समक्ष हमारे माननीय विधायक महोदय, माननीय पर्यवेक्षक महोदय ने रख दिया है। मुझे बस इस बारे में इतना ही करना।